ग्वालियर पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाइयों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शोरूम में लाखों की चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तीनों चोरों से चोरी किया गया पैसा, मोबाइल, चांदी को बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल बत्रा साड़ी शोरूम के मालिक प्रतीक बत्रा ने थाने में शिकायत की थी कि 19 अक्टूबर को गले में रखे 8 लाख रुपए और 500 ग्राम चांदी की चोरी हो गई है, जिसकी शिकायत पर पुलिस शोरूम पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। तो पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि शोरूम में चोरी करने वाले दो अज्ञात चोरों को कुम्हारपुरा थाटीपुर पर देखा गया। तभी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों की घेराबंदी कर धर दबोचा, जहाँ पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने चोरों से 1,97,000 नगद, 500 ग्राम चांदी, 4 मोबाइल और कुछ सिक्के से चोरी की वारदात में उपयोग की गई गाड़ी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत सिटी सेंटर में बत्रा साड़ी सेंटर जो है, इसके शोरूम में 19 और 20 तारीख के दरमियानी रात एक नकब जाने की वारदात हुई थी, जिसमें कि करीब 6-7 लाख रुपए का सामान चोरी गया था, जिसमें कैश था, चांदी का एक कछुआ था, कुछ अन्य जेवरात थे। और इसमें क्राइम ब्रांच और विश्वविद्यालय की टीम ने लग के बड़ी मेहनत से इसको डिटेक्ट किया है।